Dear students, we are starting with the topic energy stored in a magnetic field. Okay. Now, energy stored in a magnetic field, dear students, is very simple derivation. It's just very much similar to electrostatics. बच्चा अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक कैपेसिटर लेते थे और उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डालते जाते थे बराबर है, और जिसकी वजह से कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी जिसका फॉर्मूला था Q²/2C। अगर आपको ये नहीं याद आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद आएगा, ½CV², है ना। तो उसके दो फॉर्मूले डियर स्टूडेंट थे, पहली फॉर्मूले थे एक और था ½Q·V भी करके एक फॉर्मूला था। तो ये सारे फॉर्मूले थे डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या कर रहे थे, आप चार्ज को डियर स्टूडेंट्स प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर पहुंचा रहे चार्ज के रिलेटेड था। अपने मैग्नेटिक फील्ड में डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डूइंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू द सेम एप्लीकेशन, वेरी मच सिमिलर। हम लोग वर्क डन करने वाले हैं, उसी वर्क डन को हम लोग किस फॉर्म में स्टोर कर देंगे, मैग्नेटिक एनर्जी में। स्टूडेंट्स लेट अस नाउ स्टार्ट। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स आपको एक सिंपल सा लॉ आना चाहिए। कौन सा लॉ? फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ बोलता है डियर स्टूडेंट्स कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt को, या ऐसा बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड, और ऐसा बोल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो एक इंडक्टर के लिए फ्लक्स होता है वो होता है Li, तो ये फॉर्मूला बन जाता है Ldi/dt। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने देखा है, यूजुअली इसमें माइनस भी आता है डियर स्टूडेंट्स, बट हम लोग अभी सिर्फ कौन सा चीज कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ओके, अगर हम लोग फैराडे लेंस लॉ लिखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, माइनस भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स डी डब्ल्यू को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल वर्क, है ना। तो स्मॉल वर्क डन विल बी व्हाट, वी इंटू डी क्यू, ये आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, बट अपने चैप्टर में हम लोग वोल्टेज को ई बोलते हैं, ई एम एफ, करेक्ट है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू, ई का वैल्यू हमको मालूम है Ldi/dt, और ये क्या हो गया अपना डिफरेंस डी क्यू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, हम लोग ये जानते हैं डिफरेंस बेसिक आइडिया हमने बताइए कि डियर स्टूडेंट्स करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमको मालूम है, वी नो ऑलरेडी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिफरेंस, मैं ये dQ/dt के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं उसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं उसकी जगह पे लिख दूंगा I, क्या लिख दूंगा I, तो ये हो गया dW। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, सर मुझे तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन स्मॉल में लाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो Li/dI का इंटीग्रेशन वर्क। बेटा स्टार्टिंग में करंट जीरो था जब हमने स्विच को क्लोज नहीं किया, और बाद में करंट कितना हो गया I मैक्सिमम। अच्छा Idi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, I²/2, अपर लिमिट I, लोअर लिमिट जीरो, आंसर क्या हो जाएगा Li²/2। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो उसको यू भी लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया ½Li² इतना आ गया। अच्छा वन मोर थिंग बच्चा, लो हमने ये भी तो पढ़ा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L×I, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ Li×I, मैं ये फॉर्मूले की बात करूँ तो Li की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूँ, ∅×I, तो डोंट यू थिंक मेरे को एक नया फॉर्मूला आ गया, ये भी करेक्ट है, परफेक्ट है। डियर स्टूडेंट तो अभी अपना पास कितने फॉर्मूले हो चुके, दो फॉर्मूले हो चुके, एक हाफ Li² हो गया, 5×I। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा हाफ Li², डोंट यू थिंक आप आई के जगह पे लिख सकते हैं 5/L² तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलिए, दिस विल बिकम हाफ ∅²/L, ये भी यू का एक फॉर्मूला बन गया। अब ना यू के हमारे पास तीन फॉर्मूला है, क्या क्या आ गया, हाफ Li² आ गया, हाफ ∅²/ ∅² है बेटा, ∅ के जगह पे 5² बाय हाफ हाफ 5² बाय L, और तीसरा आ गया हाफ 5L। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ ऐसा था,
देखो बेटा, एकदम सिमिलैरिटी। सर अपने चैप्टर में इंडक्टेंस है तो उनके चैप्टर में कैपेसिटेंस होता है। अपने चैप्टर में सर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो उनके चैप्टर में हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडक्टेंस तो वहाँ पे कैपेसिटेंस। सर यहाँ पे फ्लक्स तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे करंट तो वहाँ पे वोल्टेज। हाउ मच सिमिलर इज दिस? यस ओके। तो हमने इसका एनर्जी निकाला और एनर्जी की क्या की, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स निकाल दिए। कौन सा फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एक फॉर्मेट भी याद कर लेंगे डियर स्टूडेंट, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड।